आज आपको यूपीएससी परीक्षा 2017 में सफलता प्राप्त करने वाले अभिनव सक्सेना के बारे में बताएंगे, जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद प्रेरणादायक है। अभिनव ने साल 2016 में यूपीएससी की परीक्षा पहली बार दी थी, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अगली बार उन्होंने अपनी गलतियों को दूर करके अपना सपना पूरा कर लिया। अभिनव ने इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग और उसके बाद एमबीए की डिग्री हासिल की और फिर यूपीएससी में सफलता प्राप्त की। उन्होंने खासतौर पर समय का मैनेजमेंट कर यूपीएससी में सफलता पाई। आइए जानते हैं अभिनव की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करेंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की यह वीडियो। अभिनव पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थे और इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एमबीए करने का फैसला किया। एमबीए के बाद उन्होंने यूपीएससी में जाने का मन बनाया और तैयारी शुरू कर दी। अभिनव के लिए यूपीएससी का सफर बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। हालांकि उन्होंने सभी परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई जारी रखी और अंत में सफलता प्राप्त कर ली। अभिनव ने साल 2016 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद अभिनव ने अपनी गलतियों से सीखा और साल 2017 में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सफलता हासिल की। उनका मानना है कि यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। इसके अलावा एक बेहतर रणनीति यूपीएससी में मुख्य भूमिका निभाती है। अभिनव का मानना है कि आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार यूपीएससी की तैयारी के लिए रणनीति बनानी चाहिए। सबसे पहले आप यूपीएससी का सिलेबस देखें और उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल तैयार करें। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी समय में अपने सिलेबस को कवर करके रिवीजन शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा आप सिलेबस कवर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। इससे आपको अपनी गलतियों का अनुमान हो जाएगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अभिनव कहते हैं कि अगर आप सही दिशा में मेहनत के साथ तैयारी करेंगे तो आपको यूपीएससी में सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्ज़ाम। नमस्कार।